टोपी छोड़ दो, टोपी छोड़, टोपी छोड़, बाप रे बाप। क्या बता रहे हो, क्या मगरमच्छ गिर गया है? कहाँ मगरमच्छ गिरा? ना मगरमच्छ गिर गया है, साथियों आप देख रहे हैं एक मॉनिटर लिजर्ड, ये बहुत ही बड़ा साइज का मॉनिटर लिजर्ड है और लोगों का ऐसा मानना है कि काफी ये जहरीला भी होता है। हाँ जी, कैसे गिरा है ये? कैसे घुसा है, किधर से जंगल से आया है, घुसा है मुर्गी भी पकड़ने के, मुर्गी खाने का फिराक में पकड़, ये मुर्गी खाने का फिराक में इसको पकड़, हमको उतरने दीजिए ना तो फिर ये कभी भी वार कर सकता है। इधर से मुर्गी का बच्चा चलता है। हाँ, ये कभी भी वार कर सकता है। आवाज लगाना शुरू कर दिया है, देखिए किस तरह फुला रहा है। ये तुरंत वार नहीं करके ये पूंछ मार देगा और लोग कहते हैं कि ये पूंछ जो ही हमारे शरीर में लगेगा तो वहां सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। ये पता नहीं, अब हम देखते हैं कि ये किस तरह पूंछ से वार करता है। बाप रे बाप, बड़ा ही अजीब फील हो रहा है कि देखा जाए ये क्या कर सकता है। देखिए देखिए देखिए, ये इसको काटना पसंद है। हाँ, काफी उग्र रूप है साथियों। आप लोग क्या कहते हैं, ये जहरीला है? ये सुने हैं कि इसका लार में रहता है वेनम, जो सड़ा गला देता है काटने का बाद। हमारे उत्तर प्रदेश से जितने भी लोग देख रहे हैं उन्होंने हमें बताया फोन से कि आप जो है गलत सूचना देते हैं, गलत लोगों को बताते हैं। साथियों ये बिल्कुल जहरीला नहीं है, थोड़ा सा भी इसमें जहर नहीं है। आज के दौर में अगर जहरीला देखना हो तो आज देखिए, आज के दौर में खुद इंसान जहरीले हैं। आदमी से जहरीला कोई प्राणी पृथ्वी में अभी तक नहीं पाया गया है। क्या दादा झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, सही। आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जो पृथ्वी का सबसे जहरीला है। हर आदमी को हम जहरीला नहीं कह सकते हैं, हर आदमी जहरीले नहीं होते हैं। दो तीन, 100 में एक दो जहरीले हो ही सकते हैं, ये नेचुरल है। फिर हम देखते हैं कि ये क्या करेगा, अंत में तो हमको पकड़ना है। लेकिन फिर इसका उग्र रूप, ये जितना गुस्सा दिखला रहा है इससे काफी हमको माने अजीब टाइप का लग रहा है कि सांप है तो बहुत इजी है, पकड़ लेते हैं। लेकिन ये जीवन में पहली बार इतना बड़ा मॉनिटर लिजर्ड, हो सकता है कभी भी हम पर जंप कर सकता है। ये जंप कर सकता है, तुरंत जंप कर जाएगा। देखिए अब देखिए, बहुत प्यारा और बहुत ही सुंदर। देखिए देखिए देखिए, फिर काटेगा टोपी को। बाप रे बाप, ये काट लेगा टोपी को। ध्यान से सुनिए, जंगलों में जो जानवर मर जाते हैं वो सड़ा गला मांस को ये खा लेता है और सड़ा गला मांस खाने के बाद इसके मुंह में बैक्टीरिया आ जाता है और ये अगर किसी को काट लिया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहां डिटॉल सेवलॉन से साफ सुथरा कर दो, एक टिटनेस इंजेक्शन जरूर लगा लो, उससे क्या होगा आप भी सेफ। ये बिल्कुल जहरीला नहीं है। देखिए ये मेरा टोपी का भुरता बना दिया है, आज मेरा टोपी गया है। भाई टोपी छोड़ दो बाबा, टोपी छोड़ दो। हाँ टोपी छोड़ दिया है,
देख रहे हैं, हाथ से पकड़ेंगे मांस हमारा ले लेगा, आधा केजी मांस ये ले लेगा। सोचिए क्या जीव है ये, और भी बड़ा होता है ये, लगभग 5 फीट का हो जाएगा। मॉनिटर लिजर्ड अद्भुत, इसे मगरगो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मगरगो भी इसे कहते हैं। आवाज सबसे अलग है, देखिए। हर सेकंड जीभ निकालना इसका नेचर है, हर सेकंड जीभ निकालना। ये मुर्गी खाने के चक्कर में गिर गया 10 फीट गड्ढे में। ये मुर्गी को बड़ा आसानी से छोटे छोटे चूजों को ये हजम कर जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग, हमें ऐसा लग रहा है, 2.5 फीट होगी। अभी और बड़ा होगा साथियों, बहुत ही, फिर टोपी को वार करेगा ये, फिर टोपी को वार करेगा ये। समझ लीजिए इसका उग्र रूप है। देखिए देखिए, तुरंत फिर पकड़ लेगा। मगर गो टोपी को बुरी तरह से पकड़ चुका है साथियों। सोचिए कितना गुस्सैल रूप है इसका, आप देख सकते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता है, इसके मुंह में सड़ा गला मांस खाने के वजह से इसके मुंह में बैक्टीरिया फैल जाते हैं। इसलिए अंधविश्वासी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और लोगों को शेयर करें। इसका गुस्सैल रूप से हम काफी खुश हैं। देखिए, अगर एक बार अगर मेरा उंगली पकड़ लिया तो सोच लीजिए मेरा उंगली को ये खा जाएगा। अभी तक टोपी को नहीं छोड़ा है। देखिए इस तरह से, देखिए लगता है कोई मगरमच्छ है। बाप रे बाप, इसको पंजा को देखिए, पंजा को सबसे अलग। यह हमारा टोपी गया काम से, और टोपी बचेगा नहीं। चलिए देखते हैं, छोड़ो भाई टोपी छोड़ दो। और नहीं, तुमको गुस्सा नहीं दिलाएंगे। टोपी छोड़ दिया। कभी भी वार कर सकता है। आवाज देखिए, इसका आवाज सबसे अलग है। हमने बताया था कि आदमी से जहरीला जीव कोई हो ही नहीं सकता है, ये देख रहे हैं मॉनिटर लिजर्ड। अगर हम छोड़ दें तो हमारा उंगली ये खा जाएगा। काफी उग्र है साथियों, चलिए इसे कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं, सचमुच में हम कुछ नहीं जानते हैं। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इसका पूंछ से सचमुच में हमारा हड्डी सड़ेगा या गलेगा। देखिए इसका पूंछ से हड्डी सड़ेगा या गलेगा। 40 साल से इसका पूंछ, सांप का पूंछ, मॉनिटर लिजर्ड का पूंछ से हल्का हल्का टच हो रहा है, मार भी रहा है, लेकिन क्या होता है देखना होगा। इसका मुंह हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि छोड़ते ही ये काट लेगा। हम तुरंत बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। ये फीमेल है। चलिए
फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।